किताबों से कभी गुजरो तो यूं किरदार मिलते हैं, गए वक्तों की ड्योढ़ी में खड़े कुछ यार मिलते हैं। जिसे हम दिल का वीराना समझ कर छोड़वाए थे, वहां उजड़े हुए शहरों के कुछ आसार मिलते हैं। आज दिन क्या है साईं? रात है। और तारीख? 24 तारीख है। महीना? भैया 24 अगस्त सन 1941 जुमेरात है। अब वक्त बताऊं तुझे, संभाल कर चल, सामान कीमती है इसमें। मेरी गर्दन से भी ज्यादा कीमती है क्या? खफा हो गए साई, थके होंगे सफर से। तो रख दे। ए लीजिए ये। और अबे अबे तेरी तो मैं ये साले क्या किया हरामजादे हैं? साईं आप तो मुझे बड़े पढ़े लिखे दिखाई दे रहे थे। साले एक तो सामान पटक दिया, ऊपर से जबान चलाता है। अब फिसल गया साईं, कुछ टूटा तो नहीं ना? टूटा होता तो तेरी चमड़ी उधेड़ देता मैं। चल उठा उठा। ए खुली आप क्या है, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, एक तो साले ने सामान पटक दिया और ऊपर से जबान चलाता है। आप मेरे साथ चले, आपका सामान मेरे कांस्टेबल लेंगे। कांस्टेबल? अरे अरे लेकिन क्यों भाई, कहाँ जाऊं, क्यों जाऊं तुम्हारे साथ? आप पुलिस स्टेशन चलेंगे मेरे साथ, आपके सामान की तलाशी ली जाएगी। लेकिन मेरी बात तो देखिए, आपके सामान की तलाशी लेकर आपको छोड़ दिया जाएगा, और अगर आप सीधी तरह नहीं चलेंगे तो आपको हथकड़ियां डालकर ले जाऊंगा मैं। अरे कांस्टेबल हद करते हैं, हद कर रहे हैं, खामखा एक शरीफ आदमी को परेशान कर रहे हैं आप। अरे मैं कोई चोर हूँ क्या, कोई डाकू हूँ क्या? अरे 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 कांस्टेबल, अरे ठहरो भाई ठहरो, अरे ठहरो भाई। ए कुली अबे रुको यार, ओ तेरी मजूरी अलाने के। लेकिन दरोगा साहब तलाशी किस बात की लेनी है? किस बात की लेनी है तलाशी, जानते हो ना तुम? चलो चलो जी, पक्का। तलाशी ली तो सूटकेस के पैनों में छिपी 20 सेर हफीम निकली। 20 सेर हफीम का मतलब होता है 1600 तोले हफीम। हमने तो एक एक छटांक हफीम के केस पकड़ के डायरियां भरी हैं, और एक साथ 1600 तोले हफीम का केस, पूरे जिले में धूम मच गई, अखबारों में खबरें छपी, आबकारी की नौकरी का मजा आ गया। वो मुखबरी इसी खादू की थी, यही है वो कुली। तो ये अदाकारी भी कर लेता है? मैं तो साईं लैलपुर से ही उसके पीछे लग गया था, एक स्टेशन पर भी आंख से ओझल नहीं होने दिया जब तक साईं के पास नहीं लाके खड़ा कर दिया। जिले के कमिश्नर मिस्टर विलिंगटन ने डायरियों में वेल डन कर मार्क दिया और 500 रुपए इनाम की सिफारिश भी की। उस मुखबरी में खादू ने भी 1000 रुपए तो कमाया होगा। 1100 चिल्लड़ पाए साईं, भाई के बच्चे दुआएं देते हैं, अल्लाह निगेबान। कब का किस्सा है? किस्सा नहीं केस है, 2.5 साल हुए। अफीम गांजा चरस खादू, बस जादू है इसमें। कभी कोई गलत मुखबरी नहीं की, जो खबर लाया पक्की खबर लाया। इसे अपने साथ रख लो, ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हारी डायरियां भरी रहेंगी। और आपकी डायरियां कौन भरता? मेरे लिए दिलासा सिंह ही काफी है, शराब की भट्टियों का माहिर है। खादू जी, अपने आबकारी के महकमे में ये नए इंस्पेक्टर आए हैं, आगे से ये ख्याल रखेंगे तेरा। आपका हुक्म साईं। हाँ उस अल्लाबख्श चंडू वाले का क्या बना? अल्लाह निगेवान, अभी यारी लगा रहा हूँ साईं, 4 बार साल साल की सजा भुगत चुका है ना, इसलिए बड़ा काइया हो गया है। चंडू की शीशी कहाँ रखता है हरामजादा, हवा ही नहीं लगने देता। एक बार शीशी हाथ पर रखने का एतबार आ जाए, फिर देखिए कैसे शिकरे की तरह झपटता हूं।
कल मुझे कह रहा था तू मुझे घुन्ना लगता है। मैंने कहा चाचा मैं चंडू पीता हूँ तो घुन्ना नहीं लगूंगा। लेकिन बुड्ढे का ईमान अभी मुझ पर जम नहीं रहा। मैं भी सोचता हूँ आखिर कब तक। एक बार अड़ंगे पर आने दो, ऐसी पटखनी दूंगा कि बेटा याद रखेगा। अच्छा साईं मैं चलूं? हाँ चल, पर हमारे राम प्रताप साहब का ख्याल रखना। हाँ साईं। जी खादू। हटना पासे। दिलासा जी। हुजूर। राम प्रताप, ये है दिलासा सिंह। सलाम साहब जी। है तो ये भी अव्वल नंबर, और खादू तो बस जादू है। वो तो साहब जी चंडू खानों का पीर है, पर हमसे वो गंदे नशे नहीं होते। शराब शाहों बादशाहों का नशा है, भावे दिलासा सिंह ही क्यों ना पिए। बैजा। ते अच्छा सर। हाँ हाँ, क्या खबर लाया? कान सिंह के यहाँ बत्तियां लग रही हैं आज। कहाँ? वहीं आम के बगीचे में। खबर पक्की है? बिल्कुल पक्की है हुजूर। छापा कब मारना है? शाम को जब पहली धार का माल निकलेगा, 10-15 सिपाहियों को लेके पहुंची आप। बस घेर लो उसे वहीं के वहीं, हाथों हाथ माल फड़ो, सील करो और पंचनामा लिखा लो। कचरा। क्या बात है दरोगा जी, कैसे आना हुआ आमों के बगीचे में? कुछ मंजी मुड़ा मंगाओ, लस्सी पानी पियोगे? हालांकि वेला लस्सी। ये राख क्यों पड़ी है काना यहाँ पर? भट्टियां उड़ जाए तो राख ही बचा करती दरोगा जी। और ये भट्टियां तो किसकी थी? भट्टियां हमें क्या मालूम, हमें तो राख पड़ी नजर आ रही है, जैसे आपको दिख रही है। अच्छा ये बता, थाने में तेरा मुखबिर कौन है? किसे भर्ती करवा रखा है तूने माँ? हमारा कौन होगा जी, राख अभी ठंडी नहीं हुई अब भट्टियां निकल गई। कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो अपनी रोटी दोनों तरफ से चुपड़ रहा हो? कन्या फिर किसी दिन सही। चलो राम प्रताप, ये क्या है? 6 महीने हो गए और अभी तक तुम ठेकों के मुआयने कर रहे हो, अभी तक कोई केस नहीं पकड़ा? जी कोई केस मिला ही नहीं तो क्या करूं? केस नहीं मिला तो केस पैदा करना पड़ता है, यहां यूं ही चलता है। बड़े अफसर ये नहीं सुनते कि केस क्यों नहीं मिला। खादू को कहो कि कोई भंगवंग का केस ही पकड़वा दे। जी वो खादू तो उस दिन के बाद दोबारा कभी आया ही नहीं। चपड़ासी को शहर भेजिए, कहीं से ढूंढ के लाए उसे। पड़ा होगा किसी तकिए वकीय में, मरेगा नहीं, ये चर्सी लोग इतनी आसानी से नहीं मरते हैं। अच्छा सर, मंगत राम। जी साहब। खादू को पहचानते हो? वही हुजूर, वही चर्सी जो मुखबरी करता है। हाँ वही, उसे ढूंढ के लाओ मेरे पास। बेहतर जनाब। सलाम साईं। आजा। ये कान में छल्ला क्यों पहनता है तू? उस्ताद की निशानी है साईं। उस्ताद ने कहा था तू पहला आदमी है जो भांग का पूरा घड़ा पीकर एक मुंगरा और मांग रहा है। भंग बहुत पीता है तू? अब कहां साईं, जवानी की बात है, जवानी के साथ चली गई। अब तो ये मुंह लगी रह गई है चरस, मुंह के मसूड़े खा गई। मसूड़ों का क्या है,
यही ना, दांत गिर जाएंगे, गिर जाएं। चरस तो पोपले मुंह से भी पी जाती है। जरा माचिस है? नहीं नहीं नहीं, है है। तू आया नहीं उसके बाद? केस लेके आने का वायदा कर गया था। मैं तो एक मुसीबत में फंस गया हूं साईं। जिस तकिए पर जाऊं धक्के देकर निकाल दिया जाता हूं। पता नहीं मुझ बेचारे से क्या गुनाह हो गया है। और उस चंडू वाले का क्या हुआ? वो अल्लाह बख्श। अल्लाह बख्श क्या गया था परसों। बोला तकिए पर दिखाई दिया तो कब्र में जिंदा गड़वा दूंगा मुखबिर कहीं का। सूरत तो देख चंडू पीने वाले की। अबे चंडू बादशाहों का नशा होता है। मैं कहता था ना तो मुझे घुन्ना लगता है। तेरी आंखों में हिर्स है। तुम बताओ साईं, हिर्स है? मेरी आंखों में तो कुछ भी नहीं। कोई भंग का ही केस लिया फिलहाल? भंग का मुकदमा मैंने कभी पकड़वाया नहीं साईं। बूटी बेचने वाले पैसे दो पैसे का ही तो सौदा करते हैं बेचारे। और फिर मेरा उस्ताद क्या सोचेगा? कहां रहता है तेरा उस्ताद? कब्र में दफन है साईं। मगर सोचता तो होगा। सोच थोड़ी मरी होगी उसकी। ये रख ले, कोई केस हो तो आना। रख ले रख ले। सच कहता हूं साईं, मेरा कोई दुश्मन पैदा हो गया है। मेरी रोजी पर कोई लात मार रहा है। अगर पता चले तो। अच्छा, अल्लाह निगेवान। रामप्रताप जी सर। क्यों, कोई खबर मिली खादू की? जी आया था, कल रात घर पर आया था। खादू आया था तो केस भी आएगा। लेकिन उसकी तो हालत बहुत खराब है सर। क्यों? कहता है तकियों पर उसको कोई घुसने नहीं देता। उसके मुखबिर होने की खबर सब जगह फैल गई है। बात कुछ समझ में नहीं आ रही। खैर, मैं दिलासा को भेजता हूं, तुम अपनी डायरियां तो भरो। हुँ? जी सर। सलाम साहब जी। सलाम। लाला जी ने भेजा है, कल एक भट्टी पर रेड हो रहा है। लाला जी जाते जाते बता गए आपकी डायरी भरवा दूं। वैसे एक चंडू का केस भी है, अगर आप चलना चाहे तो। कब? अभी इस वक्त ईंट पर सर रख के सब कुट पड़े हुए हैं। रास्ते में चार सिपाही ले लीजिए थाने से। मैं चंडू खरीद कर आपको इशारा कर दूंगा, फिर आप जाने आपका काम। चले चलिए। ये सब खादू तो सुना है बिल्कुल नंगा हो गया है। तकिए वाले गुस्से तक नहीं देते उसे। उसके पहुंचने से पहले उसकी मुखबरी की खबर पहुंच जाती है। Huh.
कहो कैसे आए, कोई केस लायो? क्या हुआ, बीमार हो? दमा हो गया है साईं, सांस पेट में समा नहीं रही, हवा का इतना बड़ा गोला यहाँ छाती में घुस गया है। तेरे कान का वो छल्ला क्या हुआ? नशा टूट रहा था साईं, मैंने छल्ला बेचकर सिगरेट भर चरस ले ली, आधी पी ली आधी कान पर टंगी। और सामने के दांत वो क्या हुए? गिर गए साईं। अब मरे हुए घोड़ों को भी कोई अस्तबल में बांध कर रखता है क्या? तो अभी यहां क्या लेने आए हो? अल्लाह निगेबान, चप्पा भर रोटी, चप्पा भर रोटी मिल जाए साईं तो उस दिलासे का पेट त्याग करने के लिए कुछ दिन और जिंदा रह जाऊं। क्यों, दिलासे ने क्या किया जो उस गरीब का पेट चाक करना है तुझे? जानता हूं साईं, सब जानता हूं। दिलासे ने आपको एक साथ 8 मुकदमे दिए हैं, वो सब मेरे मुकदमे थे। रामजादे ने लूट लिया मुझे, मेरी मुखबरी का ढिंढोरा पीटा है उसने सब जगह। आपके लिए तो मैं वो भंग के अखाड़े पर भी गया था, 2 दिन पहले की बात है। 2 भाई हैं ना वो पांडे, उन्हीं के यहां कुंडी में घुंघरू भरा मुसल छमा छम चल रहा था। कोई आ रहा है? अरे कोई नहीं, कोई नहीं, अपना खादू है। जय राम जी की पांडे जी। जय राम, जय राम। वाह, ये हुई ना बात। आओ खादू, कैसे हो? ठीक है पांडे जी, आज उस्ताद जी की याद आई तो आप भी बहुत याद आए। आजकल तो भैया बड़े बड़े नशे की दुनिया में रहते हो, अरे हमारी याद तुम्हें कहाँ आती है? ऐसी बात नहीं है पांडे जी, देखिए भंग तो बहुत जगह घुटती है, लेकिन आप जैसी भंग कसम से पूरे मुल्तान में नहीं घुटती। अच्छा, एक अकन्नी है जेब में, एक मुंगरा पिला दो। अरे टकों की क्या फिक्र करते हो, तुम तो हमारे खास मेहमान हो, तुम्हारी खातिरदारी भी हम उसी तरह करेंगे। सीताराम जी, उठ सीताराम और तकिए मंजिए का इंतजाम कर खादू के लिए। जी अभी करो, पानी जाना जल्दी। अरे तुम रुको तो सही। अरे भाई सोना। और सुनाओ क्या हाल है? बस मेहरबानी पानी जी। खुश खुश तामी, खुश पानी जी। और मुखबरी, ये क्या हो रहा है? मुखबरी पानी छोड़ लेने दो, पानी दे भी मेरा दो। ये देखो साईं, पूरी पिंडली नोच कर ले गया, हड्डी दिखने लगी, खोल कर दिखाऊं? अरे नहीं नहीं, जरूरत नहीं। और सुनो, मैंने यहाँ लंगर नहीं खोल रखा है चर्सियों के लिए। मुखबिर हो, मुखबरी करना चाहो तो करो। अरे इस शहर नंगे हो गए तो किसी दूसरे शहर निकल जाओ, तकियों की कमी नहीं है इस मुल्क में। इजाजत है साईं? और इजाजत कैसे दी जाती है? अल्लाह निगेबान। खादू, सलाम साईं। यहां कैसे आना हुआ? मुखबिर और किस लिए आएगा साईं, मुखबरी के लिए। कोई केस लाए हो? लाया तो हूं, पर एक पौली दिला दो, नशा टूट रहा है।
केस क्या है? छोटा सा ही है, भंग का है। केस पक्का है? झूठा केस कभी लाया हूं साईं। खादू की साख चली गई अड्डों पर मुखबरी की साख में कभी तरोट नहीं आने दी। हमने तो दुश्मनों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं किया जैसा अपने मुखबरों ने मेरे साथ किया है। खैर, केस क्या है? कंपनी बाग के पीछे एक बस्ती है, मैं दूर से आपको घर दिखाऊंगा। वो लोग मुझे पहचानते हैं, मैं अंदर नहीं जा सकूंगा। कितने बजे जाना? 3-4 बजे से कुटनी शुरू हो जाती है, आप जब बोलो। ठीक है, 3 बजे दफ्तर आ जाओ तो बताता हूँ, अभी तो एक दौरे पर जा रहा हूँ। लाला जी की सुने तब्दीली हो गई? हाँ, लाहौर चले गए, वो तरक्की हो गई उनकी, विलिंगटन साहब ने बुला लिया उनको। आइए जनाब, आइए, आओ जी आओ। पोस्त की है कि बिना पोस्त की? दोनों तरह की है साहिब, आप इत्मीनान से तो बैठिए। ये 4 पैसे, 1 मुंगरा असली। अब मैं ये खेड़िये लेकर अंदर आ गया। ओ कोई नहीं जी, आप बैठो, बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता। अजी यहीं रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, मैं अभी उतार, बैठो भी। मैं उतार ही देता। भांग है उसमें भी? सील कर लो सब और पंचनामा लिख के थाने ले आओ, मैं वहीं आता हूं। केस पक्का था ना साईं? हाँ, बिल्कुल नया लगता है। बिल्कुल नया है ना, तजुर्बे का। मैंने ही शुरू करवाया था, उस पर रहम करना, सख्ती ना करना साहब जी, वो मेरा छोटा भाई है। Mm-hmm.